भगत सरनी गुजरे अब तो सारी खोद खड़ा की चो सारी की चो खड़ा अल्ताप समझ करियो जबरदस्त पुरजोर से इस्तकबाल जनाब अल्ताप साहब नहीं नारा जोर से बोलना चाहिए जनाब अल्ताप साहब अपने हमारे हार्दिक अजीज भाईजान सदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनाब मीर साहब हमारे लीडर हमारे कायद जफर मनहास साहब जनाब हिलाल अहमद शाह साहब मुंतजिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वुमेन्स विंग की सूबाई सदर मोहतरमा दिलशादा शाहीन जी जनाब फिरदौसा हमारे जी इज्जत जोमा ओदेदारान कारकुनान हजरात आज यहाँ पे तशरीफ मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अपनी पार्टी को तलक है मगर रात आव कुस्तम पार्टी हम वाइस प्रेसिडेंट बंडपुर रात उन गुलाम रसूल नाज तक मैं पार्टी हूँ शरीक तो फरीक की मैं सुन तंजीम कड़ित की जरूरत है हमारी लीडरशिप को समझने की जरूरत है और इसीलिए हमारे कायदीन आज यहाँ पे आए हैं जो इस पे रोशनी डालेंगे अब मैं दावत देता हूँ हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारी जान हमारी शान हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब रफी अहमद मीर साहब को कि वो इस कन्वेंशन को कामयाब बनाया क्या तोड़ मारी आपने मुबारक हो मेरे साथियों डटे रहो और इसका आप देखेंगे आने वाला कल कैसा हमारी पार्टी और आपका शानदार होगा हमारी सह उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा दिया है उनको मुशा इस्तेकबाल के लिए जो उन्होंने हमारा किया अल्लाह करे कि उनका ये इस्ते जो इन्होंने आज हमें प्यार भरा हम 10 गुना इसको वापस उनको दे जिस वक्त हमारी सरकार इंशाल्लाह होगी अल्ताफ साहब अपनी पार्टी की हम रिलेशन जमात इस्लामिया के साथ अच्छी देख रहे हैं क्या हम इनको फ्यूचर में पार्टी का हिस्सा देखेंगे देखिए हर जम्मू कश्मीर का वासी अपनी पार्टी का हिस्सा है न हम लोगों को जमातों में न हम लोगों को फिरकों में न हम लोगों को मजहबों में बांटते हैं हम हर एक के ताबेदार हैं और हर एक को वेलकम करते हैं जम्मू कश्मीर तरमीमी बिल 2023 अल्ताफ साहब तरमीमी बिल 2023 जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल किस तरह से देख रहे हैं कब पास होगी देखो इस वक्त वक्त भाजपा का है दिल्ली में तो वो जो चाहेंगे वो करेंगे मेरे कहने ना कहने से क्या अफसोस कल भी अगर नेशनल के 3 मेंबर पार्लियामेंट उन्हें इस्तीफा दिया होता तो मैं फिर भी कहता कोई नहीं साहब उनको वो चीज़ मंजूर नहीं है जो वहाँ हुई तो क्या फिर मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का होगा अगली बार इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मेंबर मेंबर पार्लियामेंट भी असेंबली मेंबर भी और सरकार भी अपनी पार्टी की होगी होनी चाहिए बिल्कुल अकेले लड़ेंगे इतने सारे लोगों के साथ जो आपने इतनी जम्मू कश्मीर को देखा तो आपको लगता है कि किसी के साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है अल्ताफ साहब आप चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए हम चाहते हैं लोगों के नुमाइंदे आने चाहिए और उसके लिए तो जरूर इलेक्शन होने चाहिए सर माजी का एक सवाल वजीर दाखला ने कहा जो पहले वजीर आजम भारत के थे उनकी दो बड़ी गलतियां हैं एक जो उन्होंने उस वक्त जंगबंदी पहले ही खत्म की नहीं तो पाकिस्तान का हिस्सा भी यहीं पे होता और दूसरा उन्होंने देखिए जो सच होता है मोरख सच ही हमेशा लिखता है आज वो आज कहते हैं हम लोग तब शुरू से कहते हैं हाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों पे जो जरब लगे हुए हैं वो तो रो रो के चीख चीख के कहते हैं कि हमें क्यों बांटा